नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी की यूट्यूब क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमारे टीम ने आपसे वादा किया था, हम आपकी आगामी एडियो के एग्ज़ाम की तैयारी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराएंगे। दोस्तों, मैं सीमा मोदी आज आपके लिए लेके आई हूँ IRDP। चलिए देखते हैं कि IRDP होता क्या है। ये आपके एडियो एग्ज़ाम के सिलेबस का एक टॉपिक भी है, तो देखेंगे IRDP। देखते हैं कि IRDP होता क्या है। तो दोस्तों, IRDP यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, शायद आपको इस पे अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, बट मैं आपको बताती हूँ कि IRDP एकीकृत, इसको हिंदी में कहते हैं हम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। यह भारत सरकार का एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। जैसे कि एकीकृत, इसमें आपको समझना होगा कि एकीकृत क्या होता है। तो जब दोस्तों यह शुरुआत हुई 1978 में, तो उस टाइम पे बहुत सारी छोटी बड़ी योजनाएं जो ग्रामीण एरिया को डेवलप करने के लिए चल रही थी, उन सभी योजनाओं को एक कर समाकलित कर एक बड़ा प्रारूप तैयार कर एक नाम दिया गया, इसको बोलते हैं एकीकृत। और जैसे कि क्या दिया है, ग्रामीण विकास कार्यक्रम। जैसे आपको सभी को मालूम है कि हमारे भारत की अधिकतर जनसंख्या 60 से 70% जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। जैसे कि अगर देश का विकास करना है तो सबसे पहले गाँवों को विकसित करना होगा, इसलिए ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजना भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। अब देखेंगे कि जिसका उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, इसका उद्देश्य गरीबों के बीच लक्षित समूहों की आय सृजन क्षमता को बढ़ाना। अब इसमें क्या दिया है, लक्षित समूहों की आय, जैसे कि ग्रामीण एरिया में रह रहे लोग जिनके पास रोजगार आय की कमी होती है, उनके बीच में ही रोजगार को बढ़ाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और क्या दिया है, स्वरोजगार के लिए अवसर प्रदान करना, रोजगार का कार्यक्रम प्रदान करना। दोस्तों, इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि जो ग्रामीण एरिया में रह रहे मजदूर हैं, जिनको वहाँ पे रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता, उनको आय की साधन उपलब्ध नहीं हो पाती है, उनको उन्हीं के एरिया में रोजगार उपलब्ध कराना और उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, ये भी एक उद्देश्य में इसका है। अब देखेंगे कि लक्ष्य समूहों में बड़े पैमाने पर छोटे और सीमांत किसान, जो लक्ष्य समूह जैसे कि ग्रामीण एरिया में रह रहे लोगों के लिए, इसका लक्ष्य क्या है, ग्रामीण एरिया में रहने वाले लोग, तो उसमें क्या है, बड़े पैमाने पर छोटे और सीमांत किसान। छोटे किसान मतलब जिनके पास एक एकड़ से कम जमीन होती है, और सीमांत किसान जिनके पास एक एकड़ से ज़्यादा होती है, बट 4-5 एकड़ समथिंग इतना ज़मीन होता है, उनको बोलते हैं सीमांत किसान। और क्या दिया है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले खेतिहर मजदूर। गरीबी रेखा यानी BPL परिवार, जो BPL परिवार के नीचे रहते हैं, BPL परिवार में आते हैं, उनके लिए यह योजना कारीगर है। और खेतिहर मजदूर दिया है, खेतिहर मजदूर क्या है, जो खेतों में मजदूरी करते हैं, अपना जीवन यापन खेतों में मजदूरी करके करते हैं, तो ये योजना उन सब के लिए बनाया गया है, उनको विकसित करने के लिए बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या दिया है कि इस योजना का, अब देखेंगे हम इस योजना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, IRDP यानी एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। जैसे कि आपके आगामी एग्जाम में पूछ सकता है कि IRDP का फुल फॉर्म लिखिए, तो आपको याद होना चाहिए IRDP का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब देखते हैं, इसे IRDP के रूप में भी जाना जाता है। तो IRDP क्या है, इसका शॉर्ट फॉर्म है। दोस्तों, आपको IRDP का शॉर्ट फॉर्म या फिर उसका फुल फॉर्म दोनों एग्जाम में क्वेश्चन की दृष्टि से पूछ सकता है, तो आपको दोनों याद होने चाहिए, IRDP और उसका फुल फॉर्म। और देखते हैं, भारत सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे ग्रामीण गरीब, क्या दिया है, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे ग्रामीण गरीब, जो गाँव एरिया में रहते हैं, जो गरीब हैं, जो गाँव एरिया में निवास करते हैं, ऐसे ग्रामीण गरीब परिवारों, सीमांत किसान, जैसे मैंने आपको बताया कि जिनके पास एक एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, बट उनके पास क्या बोले, 2 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं है, 2-3 एकड़ समथिंग है, उनको बोलते हैं सीमांत किसान, उनके लिए। और खेतिहर मजदूर, जो खेतों में काम करके अपना जीवन यापन करते हैं, और ग्रामीण कारीगर, जो गाँव एरिया में रहते हैं, जैसे बढ़ाई हो गए, छोटे मोटे कारीगर जो कारीगरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, वो लोग, अनुसूचित जाति जनजाति मतलब ST SC के लोग, और गैर कृषि मजदूर, जो अपना जीवन यापन कृषि पर
निर्भर ना होकर दूसरे कामों के द्वारा करते हैं उनको गैर कृषि मजदूर कहते हैं। और जो छोटे मोटे काम करने वाले, मतलब कुछ भी जो अपना जीवन यापन के लिए कुछ भी छोटे मोटे काम करके अपना आय जुटाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, वो लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं, या फिर ये योजना उनके लिए मुख्यतः बनाई गई है। अब देखिए, उन्हें ऋण और कर्ज, ऋण और कर्ज सरकारी सब्सिडी दी जाएगी। तो इस योजना के माध्यम से उनको, जो ग्रामीण गरीब परिवारों को, छोटे खेतिहर मजदूरों को, यहाँ तक कि इसमें महिलाएं भी आती हैं, एसटी एससी वर्ग, इन सबको सरकार क्या देगी, ऋण देगी और उनको सरकारी सब्सिडी भी दी जाएगी इस योजना के माध्यम से, जिसे वह अपना खुद का रोजगार और काम धंधा शुरू कर सके। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है, रोजगार को बढ़ाना और उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना। तो क्या है ये सब, उसका एक उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि एकीकृत ग्रामीण विकास योजना कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। हमको क्या देखना है अभी, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ये ब्लैक में लिखा गया है। ठीक है, फिर मैं आपको अच्छे से बताती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, यह योजना कब शुरू की गई, जैसे मैंने आपको बताया, यह योजना 1978 में शुरू की गई थी। जब यह शुरू की गई तब देश के लगभग कितना 2300 ब्लॉक में संचालित किया जा रहा था। 1978 में जब यह योजना शुरू की गई IRDP, तब लगभग 2300 ब्लॉक में संचालित थी। अब देखेंगे कि जब 2 अक्टूबर 1980 को यह देश के लगभग कितने ब्लॉक, तो देश के लगभग 5011 ब्लॉक में संचालित किया गया। ये तो हो गया है इसका कब शुरुआत की गई। चलिए अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या है कि यह योजना 1978 में शुरू की गई थी। अब आपकी आगामी एग्जाम की दृष्टि से भी पूछ सकता है कि IRDP योजना की शुभारंभ कब हुआ या फिर इसको देश में शुरुआत कब किया गया। तो आपको याद रखना होगा कि इस योजना का शुरुआत 1978 में हुआ। ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। अब देखेंगे क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना और लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाना। हम अभी क्या देख रहे हैं, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य। तो इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, एक फर्स्ट उद्देश्य देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना और लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाना, क्या है ये इसका उद्देश्य है, इसका पहला उद्देश्य हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं, इसमें क्या दिया है, रोजगार के अवसरों को पैदा करने के लिए विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे कि आपको मालूम है कि साइंस ने काफ़ी डेवलप कर लिया है और हम हर जगह टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, तकनीक का यूज़ कर रहे हैं। तो इस योजना के माध्यम से भी क्या किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है ताकि लोगों को क्या क्या मिल सके, रोजगार मिल सके। साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, लोगों इसका इस्तेमाल करके रोजगार के अवसर बढ़े और लोगों को क्या, मतलब उनको प्रोत्साहन मिले तकनीक, हाँ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होना चाहिए, साथ ही वहाँ के स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल हो सके। क्या है, क्या बोल रहा है इसमें, कि साथ ही वहाँ के स्थानीय संसाधन, स्थानीय मतलब जो प्रॉपर एरिया है वहाँ के संसाधनों का यूज हो सके और उनको वहीं पे वो रोजगार और स्वरोजगार अपना विकसित कर सके, वो भी कैसे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से। चलिए अब आगे देखते हैं इसका तीसरा उद्देश्य, सभी प्रकार के कार्यक्रम रोजगार के काम सरल होने चाहिए। जो सभी प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, जो सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जो भी कार्यक्रम चला रही हो, सारे कार्यक्रम क्या होने चाहिए, सरल होने चाहिए। एक मिनट बता, जिनको करना आसान हो, मतलब वो ऐसा कार्यक्रम चलाए, ऐसा रोजगार उनको दे ताकि जो ग्रामीण एरिया के लोग हैं उसको आसानी से कर सके, उनके लिए मतलब उसमें करने में कोई दिक्कत ना हो। एक मिनट, और लाभार्थी उस काम को लेकर पैसे कमा सके। जैसे कुछ भी काम करते हैं उसमें उनको मेन उद्देश्य क्या है, उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना और आय सृजन क्षमता को बढ़ाना है ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके और विकास की धारा से जुड़ सके। लाभार्थियों को
इस योजना से आर्थिक फायदा पहुंचाना है। जैसे दिया है कि इस योजना से लाभार्थियों को क्या करना है, आर्थिक फायदा। आर्थिक मतलब क्या, उनको वित्त पोषण देना, उनके लिए आय आय के साधन जुटाना कि वो जिससे भी हो अपना घर चला सके, उनकी जीविका चला सके, वो इतना मतलब कमाई कर सके या फिर उनके घर में इतना आय आए कि उनका जीवन अच्छे से चल सके। ये सब क्या है, इसके उद्देश्य है। और देखिए चौथा उद्देश्य देखते हैं क्या है। चौथा उद्देश्य है पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, डेयरी, कुटीर उद्योग, सुअर पालन जैसे उद्योगों को अपनाकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आमदनी को बढ़ाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। क्या बोल रहा है, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, डेयरी, कुटीर उद्योग, सुअर पालन जैसे उद्योगों को क्या करना है, उनको अपनाकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आमदनी को बढ़ाना इस योजना का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। मतलब उनको पशुपालन के लिए प्रेरित करना है, जैसे बकरी पालन हो गया, बैल पालन, गाय पालन, और क्या है, मुर्गी पालन। जैसे मुर्गी पालन क्या है, मुर्गी पालन को ऐसे हम बोलते हैं कुक्कुट पालन, कुक्कुट उद्योग। जैसे बहुत सारे एरिया में होते हैं कुक्कुट उद्योग लगाते हैं जो उनको स्वरोजगार देता है और उससे उनको आमदनी आती है। अब देखिए डेयरी, जो दूध से बनने वाली चीज़ें हैं, जैसे हाँ मतलब बोलिए दूध उत्पादन, डेयरी उत्पादन, और क्या दिया है, कुटीर उद्योग, मतलब छोटे बड़े उद्योग जो ग्रामीण एरिया में संचालित हैं। जैसे बहुत सारे उद्योग होते हैं, बोले तो बीड़ी उद्योग, और आप बहुत सारे उद्योग को ले सकते हैं, पान पत्ता का जो दोना वगैरह बनाने का उद्योग रहता है, ये सब कुटीर उद्योग में आते हैं। सूती वस्त्र उद्योग इस कुटीर उद्योग की श्रेणी में आते हैं। तो इन सबको क्या करना है, इन सबको क्या है, ग्रामीणों को इन सबके बारे में ट्रेनिंग भी देना इस योजना का उद्देश्य है, ताकि वो क्या करें, वो अपनी आमदनी को बढ़ा सके। पांचवा देखेंगे, इन योजनाओं को सही प्रकार से कार्यान्वित करने के लिए सर जो योजनाएं चल रही हैं, जो ये योजना है IRDP, इस योजना को सही प्रकार से कार्यान्वित करने के लिए सरकार पीने के पानी की व्यवस्था करेगी, बिजली की व्यवस्था करेगी, और क्या करेगी, बुनियादी ज़रूरतें जो वहाँ पे रह रहे हैं लोग, उनके लिए बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना क्या है, इस योजना का उद्देश्य है, जो सरकार कर रही है। अब देखिए इसके अलावा बाजार केंद्रों की स्थापना करना, जैसे कि ग्रामीण एरिया में बाजार की स्थापना करना, ताकि जैसे अगर बाजार बनता है तो वहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं वो अपना सामान ला के बाजार में बेचेंगे और उनको क्या होगी, आमदनी होगी, उनको रोजगार मिलेगा। तो इस उद्देश्य से वहाँ जो ग्रामीण एरिया है वहाँ बाजारों की स्थापना की जा रही है, बाजार केंद्रों की स्थापना की जा रही है। और क्या दिया है, स्वास्थ्य और शिक्षा के केंद्रों को बढ़ावा देना या बना रही है। तो इसके माध्यम से क्या कर रही है, स्वास्थ्य, जैसे उप स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र और शिक्षा केंद्र, जैसे आंगनबाड़ी हो गया, मिनी आंगनबाड़ी हो गया, ऐसे बहुत सारे शिक्षा केंद्रों का निर्माण इस योजना के माध्यम से किया जा रहा है। चलिए अब देखते हैं कि इसका छठवां उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका छठवां उद्देश्य है, इस योजना के अंतर्गत किसानों और मजदूरों को विकसित प्रकार के आधुनिक उपकरण और नई तकनीक प्रदान की जा रही है। क्या बोल रहा है कि इस योजना के अंतर्गत किसानों और मजदूरों को जो खेती किसानी करते हैं और जो खेती किसानी रिलेटेड मजदूरी करते हैं या फिर खेती किसानी से बाहर भी अन्य प्रकार की मजदूरी करते हैं, उनको क्या कर रही है, विकसित प्रकार के आधुनिक उपकरण और नई तकनीक प्रदान की जा रही है। इस योजना के माध्यम से उनको विकसित प्रकार के आधुनिक उपकरण, जैसे किसानों के लिए हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, थ्रेशर या फिर सिंचाई के लिए उनको पंप वगैरह स्थापित की जा रही है, मतलब उनको दिया जा रहा है, ताकि वो अपना आमदनी में बढ़े और उसका आमदनी में इजाफा हो सके। चलिए देखते हैं इसका सातवां उद्देश्य क्या है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर तंत्र विकसित करना है जिसे सभी को लाभ मिल सके। ये क्या बोल रहा है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर जो ग्रामीण एरिया है उन्हीं के निवास स्थान पे, उसको बोलते हैं स्थानीय स्तर, तो जो उनके स्थानीय स्तर पर एक तंत्र विकसित करना है जिसे सभी को क्या मिल सके, लाभ मिल सके। ये क्या है, ये सब क्या है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है IRDP का। इसमें आपके आगामी एग्जाम के दृष्टि से क्वेश्चन बन सकते हैं कि जैसे आपको ऑप्शन दे सकता है कि जो IRDP है इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपको ये सारी योजना की इस योजना का मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रखना है, तो आपके आगामी एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एकीकृत ग्रामीण विकास योजना में किसे लाभ मिलेगा। जैसे हमने तो देख लिया कि उसका उद्देश्य क्या है, बट हम इसमें अभी देखेंगे कि इसमें लाभ किसको मिलेगा, ये आखिर में बनाया किसके लिए गया है, इसके लाभार्थी कौन होंगे,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस योजना का लाभ किसे किसे मिलेगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, ग्रामीण मजदूर, जो गांव एरिया में रह रहे मजदूर, इन्हें ही हम ग्रामीण मजदूर कहते हैं, जो गांव एरिया में खेतों में काम करते हैं या फिर छोटे बड़े काम जो भी वहाँ पे काम चल रहा है उसके माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं, उनको ग्रामीण मजदूर कहते हैं। तो क्या है, इस योजना का लाभ ग्रामीण मजदूर को मिलेगा। और उसके अलावा किसान मजदूर, मतलब जो किसान मजदूर, मतलब जो सम टाइम खेती करते हैं, किसानों का है कि 12 महीने तो खेती नहीं करते हैं, जब तक बरसात रहती है, खरीफ का मौसम हो गया, रवि का मौसम हो गया, दो टाइम खेती करते हैं, उसके अलावा बाकी टाइम पे वो किसान भी मजदूरी का काम करता है, उसको बोलते हैं किसान मजदूर। अब देखेंगे सीमांत किसान, जैसे कि मैंने आपको बताया जिसके पास 2-2.5 एकड़ समथिंग जमीन रहता है उनको हम सीमांत किसान कहते हैं। अब इन सब योजना, इस योजना से इनको लाभ मिलेगा। और इनको इसके अलावा क्या बोल रहा है, इसमें ग्रामीण कारीगर जो ग्रामीण एरिया में रह रहे हैं, बढ़ाई हैं, बढ़ाई के अलावा भी अदर कारीगर हैं, उन सबको क्या मिलेगा, इस योजना का लाभ मिलेगा। और देखिए पांचवा में है ST SC अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, तो इसके लाभार्थी में ST SC के लोग भी हैं, इनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। और देखिए आर्थिक रूप से पिछड़े ग्रामीण क्या बोल रहा है, आर्थिक रूप से, आर्थिक मतलब जिनके पास रुपया पैसे ज़्यादा नहीं है और जिनका बोलिए जीवन यापन के साधन अच्छे नहीं हैं, उनको पूर्ण रूप से जीवन यापन करने के लिए पैसे वगैरह नहीं मिल पाते हैं, जिनके आय कम हैं, ऐसे पिछड़े ग्रामीण जिनकी वार्षिक आय कितनी है 11,000 से कम हो, मतलब इसमें क्या दिया है, ऐसे पिछड़े लोग जिनकी वार्षिक आय 11,000 से कम आती है उनको भी इस योजना का क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। अब तो देख इसमें आपका बोल सकते हैं कि इसमें भी आपके आगामी एग्जाम की दृष्टि से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आपको तो मालूम ही कि ऑप्शनल क्वेश्चन ही रहता है, तो उसमें ऑप्शन रहते हैं और आपको पूछ सकता है कि ये जो एकीकृत ग्रामीण विकास योजना या कार्यक्रम है इससे लाभ किसको मिलेगा, तो आपको ऑप्शन में दे देगा ग्रामीण मजदूर, किसान मजदूर, सीमांत किसान और कारीगर, इसमें से कुछ भी ऑप्शन दे देगा और आपको पूछ सकता है इसमें किसको मिलता है। और एक ऑप्शन कुछ गलत दे दिया और पूछेगा जो IRDP का लाभ किसे मिल रहा है, तो आपको याद होना चाहिए कि ये जो पर्सन है इनको इस योजना का लाभ मिलता है। तो दोस्तों हमने देख लिया कि IRDP का लाभ किसे मिलता है, अब हम देखेंगे क्या एकीकृत ग्रामीण विकास योजना में जो कौन सी एजेंसी उनको हेल्प करती है, जो चल रही है ना हमारी IRDP एकीकृत ग्रामीण विकास योजना में कौन सी एजेंसी मदद करती है, हम ये देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्या है इसमें, ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय, क्या दिया है, ये एजेंसी है ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एरियाज एंड एम्प्लॉयमेंट, ये जो एजेंसी है इस योजना में क्या करेगी, मदद करेगी। इसके अलावा राज्य स्तरीय समन्वयन समिति यानी क्या दिया है, स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमिटी, जिसको शॉर्टकटली क्या बोला जाता है, SLCC, तो ये भी एजेंसी है, ये भी IRDP योजना में क्या करेगी, हेल्प करेगी इसको संचालित करने में। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, ब्लॉक है हमारा, जनपद है हमारा, जो विकास खंड है, ये भी इस योजना के माध्यम से हेल्प करेगा। और क्या है, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज यानी DRDA, इसका शॉर्टकट है, मतलब शॉर्ट फॉर्म है, आपको इसको भी याद रखना होगा कि इसमें भी पूछ सकता है कि क्या है, आपकी आगामी एग्जाम की दृष्टि से इसमें भी पूछ सकता है, IRDP विकास योजना में निम्न एजेंसी में कौन सी एजेंसी हेल्प करती है और कौन सी नहीं करती है। तो आपको दोस्तों ये सारे जो मैं आपको बता रही हूँ ये जो एजेंसीज हैं, आपको याद रखना होगा कि ये एजेंसी IRDP योजना में हेल्प करती है। ये हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ग्रामीण विकास योजना में मिलने वाली सब्सिडी। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस योजना के माध्यम से सरकार गरीबों को क्या देती है, ऋण देती है और सरकारी सब्सिडी देती है। तो हमें देखेंगे कि इसमें सब्सिडी किस किस को कितना कितना परसेंटेज में या फिर कितने रुपए में गवर्नमेंट है वो देती है। चलिए देखते हैं इसमें महिला, जो सरकार है उनका उद्देश्य क्या है, महिलाओं, गरीब परिवारों, ग्रामीण मजदूरों, खेतीहर मजदूर, सीमांत किसान, इन सबको क्या करना है,
विकास की धारा से जोड़ना है, उनको रोजगार और स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन करना है। तो इसमें क्या कर रही है गवर्नमेंट, इनको क्या कर रही है, सब्सिडी दे रही है ताकि ये योजना के माध्यम से विकास की धारा से जुड़ सके। तो अब इनको देखते हैं कि सब्सिडी कितनी कितनी दी जाती है। तो महिला वर्ग इनको कितना सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, 40% दे रही है। दोस्तों IRDP के माध्यम से जो महिला वर्ग को सरकार कितना सब्सिडी दे रही है बताया मैंने आपको, 40%। और इसी प्रकार से विकलांग वर्ग है, विकलांग वर्ग को मैक्सिमम और भी क्या दिया है, मैक्सिमम में 30% मैक्सिमम उनको क्या देती है, सब्सिडी देती है। और ये जो धनराशि है सब्सिडी की धनराशि है वो कितनी है, 4000, वो भी अधिकतम, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसमें क्या दिया परसेंटेज में 30% और बोले धनराशि में तो 4000। ये किसके लिए हो गया, विकलांग वर्ग के लिए हो गया। अब देखेंगे अनुसूचित जाति जनजाति यानी ST SC को कितना परसेंट सब्सिडी दे रही है। IRDP के तहत इनको गवर्नमेंट 50% की सब्सिडी देती है और इनकी अधिकतम राशि क्या है, 6000 रुपये है। मतलब ST SC को कितनी सब्सिडी देगी, सब्सिडी में परसेंटेज में 50% है और अधिकतम धनराशि बोले तो 6000 दिया है। अब देखेंगे सीमांत किसान, सीमांत किसानों के लिए, सीमांत किसान और कृषि मजदूर दोनों के लिए, जो सीमांत किसान है और कृषि मजदूर हैं इन दोनों के लिए क्या है, 33% का सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। चलिए ये हो गया। अब देखिए छोटे किसान, जो छोटे किसान हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें नहीं हैं, केवल उतनी ज़मीन है जिसमें उनका घर चल सके या फिर उनको खाद्यान्न उत्पादन हो सके, ये हैं छोटे किसान, इनको कितनी सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, 25%। तो केवल 25% सब्सिडी देगा छोटे किसानों को। अब देखिए शिक्षित बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार कैसे, जो पढ़े लिखे हैं और जिनको रोजगार नहीं है उनको भी सरकार इस योजना के माध्यम से सब्सिडी दे रही है। अब देखिए कि इसमें क्या बोल रहे हैं, जो आठवीं फेल या पास हो, मतलब आठवीं फेल हो या आठवीं पास हो, मतलब मैक्सिमम वो आठवीं पढ़ा लिखा हो और बेरोजगार हो, ऐसे शिक्षित बेरोजगारों को सरकार 50% का, कितना 50% का सब्सिडी दे रही है। अब देखेंगे क्या DP AP और DDP, यानी इसका लिख देती हूँ मैं आपको, DP का होता है DP ड्रोन प्राउन एरिया प्रोग्राम और DDP यानी डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी इसको हिंदी में बोला जाता है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम। DP AP का फुल फॉर्म होता है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और दूसरा क्या है DDP यानी डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। मतलब ऐसे इलाके हैं जो सूखे से ग्रस्त हैं, जहाँ पानी की उपलब्धता साल भर नहीं हो पाती, साल भर क्या बोलिए, मतलब जहाँ पानी कम गिरता हो, सूखा एरिया है जैसे कि मरुस्थल वगैरह हो गया, वहाँ पानी की कमी रहती है, ऐसे एरिया में भी इस योजना के माध्यम से सरकार क्या देती है, सब्सिडी देती है। इसमें सब्सिडी की अधिकतम राशि कितनी है, 5000 है। तो देख लिए हम इसमें क्या देख लिए कि एकीकृत ग्रामीण विकास योजना या कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को कितना परसेंटेज की सब्सिडी दे रही है या फिर उनको अधिकतम धनराशि कितना उपलब्ध कराया जा रहा है, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी के साथ मैं कहना आपसे चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो हम अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ वीडियो को शेयर करिए। चलिए आगे देखते हैं अब हम और देखते हैं कि एकीकृत ग्रामीण विकास योजना में फंडिंग की व्यवस्था कहाँ से होती है। जैसे योजना तो चल रही है बट इसको पैसे कहाँ से आते हैं, इनको पैसा कौन देता है, चलिए देखते हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास योजना में फंड की व्यवस्था कहाँ से होती है, ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें फंडिंग कौन करता है या फिर वित्त कौन देता है, इसको धनराशि कहाँ से मिलती है, ऐसा भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये भी आप ध्यान रखिएगा कि इसको फंडिंग कहाँ से आती है। चलिए पहला देखते हैं, इस योजना के लिए केंद्र और राज्य सरकार की कितना रहती है, 50-50% की अनुपात में भागीदारी रहती है। जो भी कार्यक्रम चलेगा IRDP के तहत उसमें केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का दोनों का हिस्सा 50-50% में रहेगा, या 50-50 रहेगी, हो गया ये 50-50% क्या रहेगा, केंद्र और राज्य सरकार का भागीदारी रहेगा। अब देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, देश के सभी जिलों के ब्लॉकों में यह योजना 1978 से चल रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये योजना की शुरुआत कब हुई, 1978 में।
तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था लगभग कितना 2300 ब्लॉक, देश के सभी जिलों के 2300 ब्लॉक में यह योजना संचालित थी 1978 में। और 1980 में क्या हुआ, लगभग 5011 ब्लॉक में संचालित किया जाने लगा। अब देखिए ग्रामीण और राज्य के निर्धन ग्रामीणों के अनुपात के, सॉरी ये देखिए ग्रामीण जो देश के सभी जिलों के ब्लॉकों में यह योजना कब शुरू हुई बोल रहा है, 1978 से चल रही है। केंद्र की तरफ से राज्यों को देश के निर्धन ग्रामीण और राज्य के निर्धन ग्रामीण के अनुपात के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। इसका मतलब आपको समझना होगा कि जो केंद्र है जो राज्य को पैसा देगी वो किस अनुपात में दे रही है, जो जिस राज्य में, मतलब समझिए कि जो राज्य ज़्यादा गरीब है उसको जो केंद्र है उसको उतना ही 50% के हिसाब से उतना ही पैसा देगी। लेकिन अगर कोई राज्य कम गरीब है, जैसे कोई राज्य ज़्यादा गरीब है कोई राज्य कम गरीब है, जैसे झारखंड का हो गया अपना, तो झारखंड गरीब एरिया में आता है तो उसको बोले हम हरियाणा या फिर जो अपना यूपी या फिर अपना महाराष्ट्र, इन सब की अपेक्षा में उनको ज़्यादा, मतलब गवर्नमेंट इस योजना IRDP योजना के तहत उनको ज़्यादा पैसा देगी। ये होता है ग्रामीण और राज्य के निर्धन ग्रामीण के अनुपात के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। आई होप सो कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इस योजना के लिए ग्रामीण बैंक, व्यावसायिक बैंक और सहकारी बैंक भी पैसा उपलब्ध कराती है। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि हम इसको फंड कौन देता है, IRDP योजना को फंड कौन देता है, हम ये देख रहे हैं। तो एक तो देख लिया कि केंद्र और राज्य की 50-50% की भागीदारी रहती है और जो केंद्र सरकार है वो राज्य के गरीब, जो राज्य कितना गरीब है उसके हिसाब से उस राज्य को पैसा उपलब्ध कराता है। और इसमें क्या बोल रहा है, इस योजना के लिए ग्रामीण बैंक जो उस एरिया में ग्रामीण बैंक है, जैसे अपना हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक है, और व्यावसायिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक, और क्या दिया है, सहकारी बैंक यानी कॉरपोरेशन बैंक भी पैसा उपलब्ध कराती है। तो इसमें फंडिंग की व्यवस्था में ये जो ग्रामीण बैंक है, व्यावसायिक बैंक है और सहकारी बैंक है, ये भी फंडिंग की व्यवस्था करेगी, उनको वित्त उपलब्ध कराएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत विकास की योजनाएँ, कौन कौन सी योजनाएँ चल रही है, ये कार्यक्रम देखिए क्या बोल रहे हैं। इस योजना के इस योजना के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर सड़कें, स्कूल, पंचायत, कुएं, नलकूप, पोखर बनाए जाएंगे। तो जो IRDP योजना के अंतर्गत क्या करे जाएंगे, स्थानीय स्तर पर जो ग्रामीण एरिया है उनके स्तर पर ही, उनके जो निवास स्थान के आसपास ही सड़कें बनाई जाएंगी, स्कूल बनाए जाएंगे, पंचायत, कुएं, नलकूप, पोखर यानी तालाब बनवाए जाएंगे, जिससे क्या होगा, स्थानीय ग्रामीण लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगी या उनको रोजगार मिल सकेगा। जैसे कि अगर पंचायत बनाया जाता है, रोड बनाया जाता है, तो वहाँ पे जो गांव एरिया के रहने वाले लोग हैं उसमें मजदूरी कर सकेंगे, तो उनको क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा इस योजना के माध्यम से। अब देखिए एक क्या बोल, दूसरा है एकीकृत ग्रामीण विकास योजना में काम के बदले अनाज देने की भी व्यवस्था की जाएगी। जैसे कि बोल सकते हैं सरकार अगर आपको काम करवाती है तो काम के बदले आपको पैसा ना देगी, आप पैसा ना देके आपको क्या देगी, अनाज देगी। तो इस योजना के माध्यम से ये सारी, मतलब कार्यक्रम चल रहे हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि आपके इस एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। फर्स्ट तो आपको पूछ सकता है कि IRDP इसका फुल फॉर्म क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि IRDP इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आप आगामी एग्जाम की दृष्टि से ये तो मतलब नोट करके रखिए कि IRDP क्या है, इसका जो फुल फॉर्म है वो आपको याद होना चाहिए। और देखिए पूछ सकता है कि इस योजना की शुरुआत कब हुई, तो दोस्तों इस योजना की शुरुआत कब हुई, 1978 में हुई थी। और यह योजना कहाँ संचालित है, तो जैसे कि ग्रामीण विकास योजना है तो ये मुख्यतः ग्रामीण एरिया में संचालित हैं। और ये पूछ सकता है कि इसको लाभ जो है, ये इस योजना का लाभ किस किस को मिलेगा, तो आपको याद होना चाहिए ग्रामीण मजदूर, किसान मजदूर, सीमांत किसान, ग्रामीण कारीगर, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, आर्थिक रूप से पिछड़े ग्रामीण जिनकी वार्षिक आय 11,000 से कम है, उन सबको क्या मिलेगा, इस योजना का लाभ मिलेगा।
और इसमें पूछ सकता है कि कौन कौन सी एजेंसी मदद करती है। तो आपको एजेंसी याद रखना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय, राज्य स्तरीय समन्वयन समिति, ब्लॉक, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियाँ, ये सब आपको याद होने चाहिए। इन सब आपके आगामी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और जो सब्सिडी है ये भी आपको याद होना चाहिए। क्या पता आपको एक आध क्वेश्चन दे दे कि महिला वर्ग को कितना परसेंट सब्सिडी दी जाती है। इनमें से कोई भी आपको पूछ सकते हैं कि ये जो शिक्षित पुरुष वर्ग हैं या फिर शिक्षित बेरोजगार हैं, छोटे किसान मजदूर हैं, सीमांत किसान हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, इनको कितना कितना परसेंट की सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। और इसमें ये आपको एक आगामी एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन भी बन सकता है कि इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भागीदारी कितने अनुपात में होती है। देश के सभी जिलों में यह कब शुरू हुई, ये भी आपको पूछ सकता है। तो 1978 में, जैसे कि मैंने आपको बताया, 1978 में लगभग कितना ब्लॉक चल रहा था, 2300 समथिंग ब्लॉक था जब यह योजना शुरुआत की गई तब। उसके बाद 1980 में कितना हो गया था, 5011 ब्लॉक हो गया था। तो आपको पूछ सकता है कि जब स्टार्टिंग हुई तब कितने ब्लॉक में यह योजना संचालित थी। और देखिए एक बन सकता है आपका, हाँ, इसमें आपको ये भी पूछ सकता है कि मतलब ग्रामीण जो चल रही है एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, इसमें काम के बदले अनाज दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है, आगे देखते हैं। दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियोस लेके आऊं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकॉन प्रेस करिए ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है दोस्तों, मैं सीमा मोदी आज आपसे यहीं पर विदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।